हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ अंजलि कुमारी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मैं हूं आपकी शेफ अंजलि। आज मैं लेकर के आई हूं चटनी की रेसिपी, जो कि है टमाटर की चटनी। आपने टमाटर की चटनी बहुत सारी खाई होगी, लेकिन ये वाली टमाटर की चटनी बहुत ही अलग है, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बनने वाला चटनी है। जो लोग हॉस्टल रेंट में रहते हैं उनके लिए तो सबसे आसान है, और आप इस चटनी को किसी भी परौठे चपाती के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है, मज़ेदार चटनी होती है। तो इस चटनी की रेसिपी को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैंने इस चटनी को कैसे बनाया है एकदम सिंपल तरीके से। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल वाली घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा कि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचेगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चार बड़े टमाटर लिए हैं, एकदम पके हुए टमाटर मैंने लिए थे, जिसे मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे भी मैंने बारीक एकदम काट लिया है। उसके बाद मैं एक हरी मिर्च मैंने लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। नमक लिया है मैंने स्वाद अनुसार। चीनी लिया है मैंने एक बड़ा चम्मच। चीनी इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि ताकि ये तीखापन और खट्टापन को बैलेंस कर सके। उसके बाद मैंने मसालों में लिया है यहाँ पे एक तेज़पत्ता। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है एक छोटी चम्मच। फिर हल्दी लिया है मैंने एक चौथाई चम्मच। फिर लाल मिर्ची का पाउडर लिया है एक चौथाई चम्मच। और तेल लिया है मैंने सरसों का। चटनी हमेशा सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। अगर आप कोई और तेल यूज़ करते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं एक गैस जलाऊंगी और उसे मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी, और उसके बाद इस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी। यहाँ मैंने नॉनस्टिक की कढ़ाई ली है, आप चाहें तो एल्युमिनियम की भी कढ़ाई ले सकते हैं। तब कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब उसमें हम तेल डाल देंगे चार बड़े चम्मच, और तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम पहले तेज पत्ता डाल देंगे और इसे थोड़ा सा चला लेंगे ताकि थोड़ा सा भून जाइए अच्छे से। और जैसे ही ये भून जाएगा तुरंत इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। जब ज़ीरा चटक जाएगा तो उसे भी थोड़ा सा चला लेंगे ताकि और अच्छे से भून जाए। तो इसे भी हमने चला लिया है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, फिर बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे, और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा सुनहरा ना हो जाए। तो इसे सुनहरा होने तक भूनते रहना है। तो ये देखिए हमारा प्याज और बाकी सारी चीज़ें सुनहरा हो चुकी हैं, अच्छे से भून गए हैं काफ़ी अच्छे से तेल में। तो अब इसमें क्या करेंगे, बारीक कटा हुआ अब हम टमाटर डाल देंगे। तो ये सारे टमाटर मैंने डाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा चला लेंगे, और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद फिर डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्ची का पाउडर, और चीनी डालेंगे यहाँ पर ताकि ये तीखापन और खट्टापन बैलेंस कर सके, और इसे चला लेंगे। और देखिए मैं इस तरीके से दबा दबा करके मैं इसे चला रही हूँ ताकि टमाटर और बाकी सारी चीज़ें और अच्छे से गल जाएं। और इसको इसी तरीके से दबा दबा के पकाना है ताकि सारी चीज़ें आप गल जाए। आप चाहें तो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है इसको पकाने का। फिर इसके बाद इसमें ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, और कुछ देर बाद ढक्कन हटा करके देखेंगे कि ये कितना गला है या नहीं। तो एक बार फिर चला लेते हैं ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। तो इसे इसी तरीके से दबा दबा करके ऐसे ही पकाएंगे, और ये देखिए अभी हल्का ही सा गला है। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, इस पर हम चलाने के बाद ढक्कन फिर दोबारा से लगा देंगे और छोड़ देंगे पकने के लिए। और उसके बाद जब तक ये थोड़ा सा गलता रहेगा तो उसके बाद फिर ढक्कन हटा करके हम चेक करेंगे कि हमारा ये पका है या नहीं। तो ये देखिए ये पहले से काफ़ी गल चुका है, काफ़ी अलग हो चुका है, इसके जितने भी खड़े चीज़ें थी वो पक गए हैं। तो फिर से ढक्कन लगा करके इसको फिर से पकाएंगे, और अब लास्ट में हम एक बार चेक कर लेंगे कि ये पका है या नहीं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक गया, पानी भी सूख गया है और काफ़ी बढ़िया से पक गया है, गल भी गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा चलाते रहेंगे। तो ये हमारा टमाटर की चटनी रेडी है, इसे मैंने प्लेटिंग भी कर दी है, सर्व भी मैंने कर दिया है। तो ये देखिए
हमारी टमाटर की चटनी बहुत ही अमेजिंग लग रही है, बहुत ही टेस्टी है, यकीन मानिए बहुत आपको पसंद आएगी। अगर आपको टमाटर की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।